हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाउ आर यू ऑल और सब लोग कैसे ठीक ठाक होंगे सो जो टू शो या दो न्यू मेकअप वीडियो व्हिच इज अबाउट द इजीएस्ट ऑफ यू टू मेकअप एंड मॉडल मेकअप बिगनर फ्रेंडली सो दैट्स हाउ टू क्रिएट दिस मेकअप लुक एंड ये है मेरा फाइनल जो है वो ट्रेलर कि मैंने किस तरह से मेकअप ट्यूटोरियल मेक किया है आई होप कि आपको मेकअप ज़रूर पसंद आएगा और इसमें सारे जो है वो समर शेड्स यूज किए गए हैं बट ये ड्रग स्टोर मेकअप है दो बिगनर फ्रेंडली सो so, आपको ये मेकअप ज़्यादा भी पसंद आएगा तो वीडियो को पूरा वॉच करें एंड तक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें आ, ये मैंने मेकअप जो ट्यूटोरियल मेक किया है ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगी आप किस तरह से ये देखिए मेरा आई शोड आई शेडोज हैं कितने सॉफ्ट लुक दे रहे हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें नोज़ को चीक को और चिन को जो है वो अपनी थोड़ा सा पिंकी शेड में जो है वो क्रिएट किया है थोड़ा ग्लोसी इसमें ब्लश मैंने यूज़ किए हैं तो चलो अपना मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने आईब्रो की तरफ तो आईब्रो के लिए जो है आप कोई भी को पेंसिल या पॉमेट ले सकते हैं आईब्रो तो मैंने जो है ये पॉमेट से मैं नीट कर रही हूँ अपनी आईब्रो को चांद चांदलीवी का स्टिक इन कंसीलर लेना है ठीक है तो ये स्टिक में कंसीलर है तो इससे मैं अपनी आई बेस को मेक कर रही हूँ इस तरह से अच्छी तरह से आपको अपने आई बॉल पर आईज के जो आईब्रो के ऊपर जो एरिया है वहाँ पर अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है उसके बाद मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से हल्के हल्के इसको लाइट हैंड से जो है वो टैप करना है टैप करने के बाद जो है इसके ऊपर हमने कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो फिक्स करना है अपनी बेस को लो हमारी आई बेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है आई मेकअप के लिए दैन हम सेलो टेप अप्लाई करेंगे अपने आउटर कॉर्नर पर ताकि हम अपना आई मेकअप जो है स्टार्ट कर सकें अच्छा आई मेकअप के लिए मैं कौन कौन से शेड्स इसमें यूज़ करूंगी मैं आपको एक ही दफ़ा में जो है पैलेट में अपने शो कर दूँगी तो मेरी जो पैलेट है वो आप ये देख लें जो वन ट्वेंटी शेड्स की जो पैलेट है जिसमें ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी सारे शेड्स मौजूद हैं वेलवेट शेड और मैट फॉर्म में तो इस पैलेट में से मैं अपने आई शेड सेलेक्ट करूँगी तो ये वाली ये देखे पैलेट है और इसमें से आपको शेड ये हमने डीप ग्रीन कलर लेना है जो मैट फॉर्म में है ठीक है उसके बाद जो है हमने ये, ये येलो मैट फॉर्म वाला शेड लेना है इसी के ऊपर जो है हम जो है दूसरा शेड अप्लाई करेंगे ये ग्रीन देन उसके बाद जो है वो येलो और इसी येलो मैट फॉर्म के ऊपर जो है हमने ये वेलवेट टच वाला येलो सेम शेड लेना है ठीक है थोड़ा सा ही ग्लिटर फॉर्म में है उसके बाद जो है ये आ जाएंगे हम अपनी क्रीज बनाने के तो इनमें से हमने दो शेड लेने हैं ये वाले जिससे हम अपनी आई की क्रीज को मेक करेंगे वन बाय वन ठीक है तो मैं किस तरह से अपनी आई का जो मेकअप क्रिएट करूँगी वो तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री ठीक है ये हमने शेड सेलेक्ट कर लिए हैं अब हम ना मेकअप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने क्रीज को मेक करने के लिए लाइट वाला जो है वो पीछी कलर जो है वो लिया है मैट फॉर्म वाला ये हम अपनी आईब्रो के नीचे जो है अपनी अपनी वो क्रीज़ के ऊपर जो है उसको ब्लेंड कर रहे हैं आपको भी इसी तरह से ब्लेंड करना है इनर से आउटर तक ब्लेंड करना है क्योंकि ये लाइट शेड है तो आपको इनर से आउटर तक आसानी से इसको इजीली ब्लेंड कर सकते हैं ये आपका बहुत ज़्यादा डार्क लुक नहीं देगा हमने शेड ही ऐसे सिलेक्ट किए हैं कि ताकि जो है वो मेकअप जो है बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगे अच्छा ये समर मेकअप लुक भी कह सकते हैं सन किस मेकअप भी कह सकते हैं और ये ड्यूटी मॉडल ड्रग स्टोर मेकअप भी कह सकते हैं बिगनर फ्रेंडली तो ये मैंने जो है वो समर वैसे भी जाने वाला है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही जो है अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है वो कलर जो है शेड सेलेक्ट किए हैं देन हमने ये ग्रीन शेड लिया था जो मैंने फर्स्ट में आपको अपने आई शेड पैलेट में दिखाया था उसके बाद इसी शेड को हमने फिंगर में लेना है और इसको अपने आउटर की तरफ जो है वो ब्लैंड करना है ये देखिए इस तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया है मैं बिल्कुल डिटेल में आपको करके बता रही हूँ फिर उसी ब्लेंडिंग शेड को जो है वो अपने आई शेड और ब्रशेस को दोनों को ब्लेंड कर देना है ताकि हमारा शेड जो है वो कोई भी अलग से जो है वो बिल्कुल शो ना हो कि हमने अलग से आई शेडो अप्लाई किए हैं आई शेडो अप्लाई करने के बाद जो है सबसे जो बेस्ट और सबसे जो बेसिक चीज़ जो होती है वो होती है ब्लेंड करना आई शेडो जितने अच्छे ब्लेंड होंगे उतना ही अच्छा आई मेकअप होगा देन हमने ये मैट फॉर्म में येलो शेड लिया है फिंगर से ही ठीक है तो मैं इसको फिंगर से अपने आई बॉल एरिया पर जो है वो ब्लैंड करनी हूँ जो हमारा ब्लैंक एरिया था इनर से आउटर तक जहाँ हमने ग्रीन शेड अप्लाई किया है अच्छी तरह से अपने आई बॉल एरिया पर ब्लेंड करेंगे कि कोई भी आपका स्पेस जो है वो बिल्कुल भी खाली ना रहे जरा सा भी कोई भी पार्ट आपका आई बॉल का ये इसका कलर जो है वो येलो है तो थोड़ा सा लाइट शेड है इसी के ऊपर जो है लाइट शेड है इसलिए हमने जो है येलो वाले मैट फॉर्म के ऊपर जो है थोड़ा सा जो वेलवेट शेड होता है आ, वो वाला शेड इसके ऊपर येलो के ऊपर अप्लाई किया है बिल्कुल सेम शेड का ठीक है तो वो भी हमने इसी तरह से उसको फिंगर से ही अप्लाई करना है ब्रश से हमने अप्लाई नहीं करना है क्योंकि फिंगर से काफ़ी अच्छे जो है वो ब्लेंड हो जाते हैं और टैपो के बहुत अच्छे से जो है वो लुक देते हैं आई होप कि आपको मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो समझ में आ रहा होगा मैं पूरा जो है वो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जो इसलिए मैं क्रिएट करती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके देन ही हमने वेलवेट वाला शेड लेना है येलो वाला ये देखें ठीक है ये भी हमने फिंगर से लिया था उसके बाद उसको हमने अपने येलो शेड के ऊपर इस तरह से अप्लाई करना है ताकि हमारा जो येलो वाला शेड है ना वो थोड़ा सा फ्लॉलेस लगे थोड़ा सा अलग से जो है वो उसका लुक नज़र आए स्मॉल क्वान्टिटी लेनी है, है ज़्यादा इतना वैसे मोटी मोटी लेयर जो है वो नहीं लगानी उसके बाद हमने थोड़ा सा जो है वो ब्रश लेंगे और इन तीनों ऐसे शेड्स को जो है वो हल्का हल्का ब्लेंड कर देंगे ताकि हमारे आई शेडो जो है अपनी जगह पे बिल्कुल कंफर्म जो है अप्लाई हो जाए बिल्कुल कोई भी जो है उसके अंदर कहते हैं कसर बाकी ना रहे तो मैंने काफ़ी अच्छी से मेकअप के ट्यूटोरियल जो है अपने चैनल पर मेक किए हुए हैं तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और रिसेंटली मैंने एक नो मेकअप लुक क्रिएट किया था जिसमें वन मैंने आई पी लैशेस अप्लाई करी थी और एक विदाउट लैशेस थी तो उसमें जो है आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से मैंने क्रिएट किया है दैन हम आ जाएंगे फाइव एन वन ब्लश पैलेट पर इसमें से जो है हमने पिंक ग्लॉस वाला शेड लेना है अपनी वाटर लाइन को ब्लेंड करने के लिए लाइट शेड है उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट जो है वो थ्री इन वन स्मोकी पैलेट लेनी है इसमें से हमने ये ब्लैक शेड लिया है अच्छा आउटर को जो है इसको ब्लेंड करना है अच्छा हमने ऑलरेडी पिंक शेड अप्लाई किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा ये ब्लैक लुक नहीं देगा थोड़ा सा हम पहले आउटर की तरफ लगाएंगे उसी को हमने ब्लेंड कर दिया है देन हम बीबी क्रीम एंड वेलवेट टच फाउंडेशन लेंगे अच्छा आज हमने इसी भी इसी से बेस बनाएंगे अपनी मैंने अपना जो एज़ यूजल जो बेसिक फाउंडेशन है वो मैं अप्लाई नहीं कर रही जरूरी नहीं है अगर आपके पास हार्ड एंड फास्ट कोई uh, अच्छा वाला जो फाउंडेशन हो महंगा वाला हो तो वही यूज़ करें आप बीबी क्रीम से बेस बना सकते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने के बाद जो है हमने अंडर आई जो है फिट मी मेबिल का कंसीलर ले रही हूँ ये कंसीलर जो है मैं अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई करूँगी आजकल रात को देर से सोने की वजह से थोड़े से मेरे आइज़ uh, में जो है वो अंडर आई डार्क सर्कल्स हो गए हैं तो इसलिए मेकअप में जो है वो मुझे उनको थोड़ा हाइड करने के लिए बेसिक uh, है कि मैं जो वो ये कंसीलर अप्लाई करूँ और कंसीलर से काफ़ी हद तक जो है वो डार्क सर्कल्स आपके हाइड हो जाते हैं देन हम ब्लश अप्लाई करेंगे ब्लश हमने पिंक शेड में लिया है ग्लॉसी ब्लश है अच्छा आजकल जो मैंने मेकअप में देखा है बहुत से लोग जो हैं वो अपनी चीक अपनी नोज़ को भी पिंक कर लेते हैं और अपनी चिन को भी काफ़ी पिंक कर लेते हैं तो मैंने आज वही मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया है तो अपने चीक बॉल पर अप्लाई करने के बाद जो है ब्लश को फिर यही ब्लश जो है मैंने अपनी नोज़ पर भी लगाया और थोड़ा सा चिन पर भी थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ले ली मैंने आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चिन के ऊपर जो है हाईलाइटर अगर आप ज़्यादा यूज़ करें जो पीच शेड में होता है तो वो ज़्यादा नेचुरल लुक देता है अगर ये पिंक पिंक लगा लेंगे तो आपको अलग से लगता है कि जैसे हमने ब्लश ही अप्लाई किया हुआ है क्योंकि ब्लश का शेड जो है वो बिल्कुल ही अलग लुक देता है और ये थोड़ा सा ग्लॉसी वाला जो था थोड़ा शाइनी वाला ब्लश था तो ये देखें आपको चीक के साथ मेरी चिन भी पिंक लग रही है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने काफ़ी सारा भर भर के लगा लिया बट चले कोई मसला नहीं है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए तो ये मैंने नोज़ को भी थोड़ा सा पिंक कर लिया है हाँ नोज़ के ऊपर थोड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह से अच्छे से इसको पिंकी पिंकी कर लेंगे और थोड़ा सा अपने चीक्स को भी इस तरह से जो है वो बेस में आ, कर लिया है इसको थोड़ा सा आ, मतलब आ, लेवल में आ जाए हमारा तो हमारा हो गया है ब्लश कंप्लीट देन हम जो है अपने सिल्वर वाला शेड लेके हमने अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट किया है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमने सिल्वर शेड लिया है कोई भी किसी भी आई शेडो पैलेट में से मिल सकता है इनर को भी थोड़ा सा हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे अच्छा हम आज जो है वो ये नहीं लगाएंगे क्या कहते हैं ब्लश पे क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है हमारा सिल्वर शाइनी शेड देन हमने लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद ये पिंक शेड लिया है अपने आई शेडो पैलेट में से तो मैंने मेरे पास जो लिपस्टिक थी वो ग्लॉसी शेड में थी उसको मुझे थोड़ा सा मैट लुक देना था तो मैंने उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा इसी कलर का डार्क वाला आई शेड जो है वो टैप करके अप्लाई कर लिया और हमारी लिपस्टिक का जो कलर है वो बिल्कुल मैट फॉर्म में लुक दे रहा है तो ये है न्यू टिप एंड ट्रिक तो ये हमारा मेकअप हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। बट वन चीज़ रह गई है वन थिंग ये है कि हमने मस्कारा अप्लाई करना है अपने आई पर उसके बाद हमने अंडर आई एरिया में जो है वो अपने ब्लैक काजल अप्लाई करना है तो ये हो गया है हमारा मेकअप डन और हमारा फाइनल लुक है ये तो ये मैंने पूरा डिटेल में ट्यूटोरियल मेक किया है ये आपको कैसा लगा आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हाँ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें तो आप मेरे चैनल पर और भी जाके वीडियोज़ देख सकते हैं बहुत अच्छे ट्यूटोरियल मेक किए हैं तो जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती तब के तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें एंड ये इस मेकअप की लाजमी प्रैक्टिस करें तो समर जाने वाला है तो सोचा मैंने थोड़ा सा अच्छा सा मेकअप ट्यूटोरियल क्रिएट किया जाए इंशाल्लाह अब एवरी संडे मेरी वीडियो आया करेगी ठीक है तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय